वाजिन त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करना शुभ माना जाता है, इसलिए प्रदेश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने के लिए सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। श्रद्धालु स्नान और कुलेश्वरनाथ मंदिर दर्शन के बाद दान पुण्य में जुटे हुए हैं। संगम पहुंचने का सिलसिला आज और कल लगातार जारी रहेगा। हालांकि त्रिवेणी में पानी की कमी के चलते बाहर से श्रद्धालुओं को खासा निराश होना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि राजन त्रिवेणी को वे बहुत श्रद्धा और सम्मान की नजरों से देखते हैं, लेकिन यहां फैली अव्यवस्थाओं से वे काफी हताश हैं। ये जानकर कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग आज स्नान करने यहाँ पर आए हुए थे, पर यहाँ पे जब नदी की कंडीशन देखी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि इसमें उतरे, बट आज जरूरी है स्नान दान करना, इसलिए हम लोग केवल पानी छिड़क करके यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आए हुए। ये दिन बहुत ही अच्छा पुण्य का दिन है। हम लोग सोचे थे कि पानी होता तो नहा भी लेते, लेकिन मायूसी पानी को ना देख के हो रही है, क्योंकि बच्चे बहुत इंजॉय करने वाले थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे बच्चे की स्विमिंग भी करेंगे, लेकिन वही बात नहीं हो पा रही है। बाकी आज दर्शन करने आए हैं, इस बात की तो खुशी है।